मुसलसल गिरावट के बाद आज रुपए की कदर में बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आई है। अर्जेंटा बैंक में रुपए की कदर में 2.5 रुपए की बेहतरी आई और डॉलर 175.27 रुपए से 172.78 रुपए पर आ गया, जबकि स्टॉक मार्केट में भी 600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। और उसकी वजह मईशत के फ्रंट पर दो अहम खबरें हैं। एक, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान है, जिसमें 3 अरब डॉलर का कर्ज है, जिस पर पाकिस्तान 3.2% का सूद अदा करेगा। और दूसरा 1.2 अरब डॉलर की ऑयल फैसिलिटी है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इसकी तफसीलात भी बताई। इसके अलावा IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल मुसलसल मुआशी गैर यकीनी का बाइस बनती रहती है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इस हवाले से भी बता दिया है कि एक आध चीज़ ही रह गई है और IMF के साथ मामलात तय पाने के करीब पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद मार्केट में इस्तेहकाम आ जाएगा। हमारे साथ भाई मईशत खुरमशदा साहब मौजूद। खुरमशदा साहब, दो खबरें हैं, आप समझते हैं कि इससे अब वो इस्तेहकाम जो चाहिए मईशत को वो आ जाएगा? सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी हमें पहले भी मिली थी, पैसे भी पहले मिले थे, IMF के प्रोग्राम में भी हम पहले गए थे, अब दोबारा बहाल होगा, ये पैसे दोबारा आ गए तो इस्तेहकाम आ जाएगा या माजी वाली सूरत हाल हो जाएगी? देखिए शादी, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि ये शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। $3 बिलियन जो है वो डिपॉजिट करवाना सऊदी अरब की तरफ से और साथ में ऑयल फैसिलिटी देना $1.2 बिलियन की पूरे साल की। ऑल दो हमारा जो जो बिल है ऑयल बिल, वो तकरीबन कोई $18 अरब टच करेगा इस साल का, जो इस वक्त पेस चल रही है। क्योंकि अभी का अगर आप इम्पोर्ट बिल देखें ऑयल का, वो हमारा तकरीबन कोई 4.5 बिलियन डॉलर पर पहुँचा है पहले क्वार्टर का। और उसमें ऑयल में 97% जो है वो इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में। ये मैं वैल्यू वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर था, उसमें ऑयल गिर गया था। और वॉल्यूम में भी 10% का जो है इंक्रीज है, यानी कि हम इस्तेमाल भी ऑयल ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट में वैल्यू में भी इजाफा है, तो डिमांड और प्राइस दोनों इंक्रीज हुई हैं। इसलिए हमारा जो बिल है ऑयल का वो तकरीबन $18 बिलियन इस साल का आ सकता है। एनर्जी का बिल जो लास्ट ईयर $10 बिलियन था, लेकिन 2019 में $14 बिलियन था, तो ये दोनों साल से काफ़ी ज़्यादा होगा। इस हिसाब से अगर आप देखें कि ऑयल फैसिलिटी कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, ऑल्दो ये अच्छी डेवलपमेंट है बट सिर्फ 7% तक कंट्रीब्यूट करेगी, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट नहीं है। यानी कि अगर आप महीने का $100 मिलियन होगा तो $1.5 अरब आपको जो है ऑलरेडी उस पर जा रहा है, तो ये बहुत छोटा जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन $3 बिलियन ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है रिजर्व में, जिससे हमारी जो इम्पोर्ट कवरेज है वो 3 महीने से बढ़ के 3.75 महीने हो जाएगी, जो कि अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम यह है शाहजेब कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिसबैलेंस है वो बहुत बड़ा है। हम $1 एक्सपोर्ट करते हैं तो तकरीबन $2.5 इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंशियल है ना, इसको हमने सेटल करना है, एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है समहाउ, ताकि हमारी जो ये जो यहाँ से ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो और डॉलर का एक्चुअल आउटफ्लो यहाँ से जो है रुक सके, ताकि हमारी रुपये को मजीद स्टेबिलिटी का जो है वो सामना करना पड़े। और अगर हुकूमत अब से 4 माह पहले 153 रुपये पर बजट बनाया था, अब 172 पर आ गया डॉलर, तो आपको लगता है कि कोई भी टारगेट मीट हो पाएगा? इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है डबल डिजिट में जाएगी, इन्फ्लेशन का टारगेट हो, करंट अकाउंट का टारगेट हो, और अगर इनको हुकूमत कर्टेल करने जाती है तो फिर ग्रोथ का जो तकरीबन 5% तक का टारगेट खुद कतरी साहब ने कहा, ये सब अचीव हो पाएंगे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी? देखिए शायद बहुत टफ चैलेंज है ये, क्योंकि अगर आपने 151 से 153 पे जो है वो टारगेट रखा था डॉलर का, उस पर अपना बजट बनाया, तो डेफिनेटली वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो गैप है। इस वक्त भी हम जो 172 रुपये पर डॉलर पे खड़े हैं, और मेरे ख्याल में 160 के पास बजट हुआ है, और 160 और 170 का भी बहुत काफ़ी डिफरेंशियल है। एक और चीज़ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो डॉलर डिप्रिसिएशन होती, डॉलर की अप्रिसिएशन होती है अगेंस्ट रुपी, और रुपी जिस तरह से गिरता है उसमें अगर ₹1 अगर डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होता है, यानी कि ₹1 अगर जो है वो गिरावट होती है हमारी करेंसी में डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका तकरीबन 80 अरब रुपए का फर्क पड़ता है फॉरेन जो है लोन्स है हमारे उस पर। एक और प्रॉब्लम ये है शाहजेब कि 10% या 1% अगर आप ले लें कि करेंसी में गिरावट नजर आती है हमारी अगेंस्ट डॉलर, तो उसका 30 बेसिस पॉइंट एडिशनल इन्फ्लेशन भी आती है, और ये वाइस वर्सा भी होता है। यानी कि अगर ये 12-13% तक हमारी जो है गिरावट चली गई थी रुपी की अगेंस्ट डॉलर, और अभी 1.5% आज जो है इंप्रूवमेंट आई है, होपफुली ये ज़्यादा भी आए अगले आने वाले दिनों में, शॉर्ट टर्म है बट होना चाहिए, उसकी वजह से हमारे यहाँ 10% का जो है डिप्रिसिएशन अगर मैं ले लूँ तो तकरीबन 3% रफली जो है उसका इम्पैक्ट आएगा एडिशनल इन्फ्लेशन में। यानी कि महंगाई पिछले साल के मुकाबले में अगर 9% है तो 10-12% तक जा सकती है, और फूड इन्फ्लेशन डेफिनेटली उस पर 3% आगे अगर आप ऐड करें तो वो डबल डिजिट्स में दोबारा से जो है वो मिड लेवल पे जा सकती है, लेट्स से 14-15% पे। तो ये एक बड़ा खतरा है और इसको हमने हैंडल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट अगर सब चीज़ें होंगी तो नेचुरली एक आम आदमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और ऑफकोर्स जो हमारे ग्रोथ का टारगेट है वो जेपोटाइज होगा, ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं आप अचीव कर सकते जब आपकी कॉस्ट पूरी इकॉनमी बढ़ जाए।